एटीएम जाएं तो अलर्ट रहें, आपके सामने ही बदल देंगे कार्ड, जरा सी चूक हुई तो खाता साफ। जयपुर में फिर ठगी का मामला, देखिए ऐसे पकड़ा गया बदमाश। आपकी जरा सी लापरवाही आपका खाता साफ करवा सकती है। एटीएम कार्ड बदलने वाले ठगों से सावधान हो जाइए। जयपुर में ठगी का ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है, जहां एटीएम में व्यक्ति के सामने ही उसका एटीएम कार्ड बदल लिया गया और उसे इसका एहसास तब हुआ जब उसका खाता साफ हुआ। ताजा मामला है जयपुर के अजमेर रोड स्थित भांकरोटा का, जहां एक एटीएम बूथ से रुपए निकालने गए युवक से 40,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित सचिन चौधरी ने ठगी की रिपोर्ट भांकरोटा थाने में दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने परिवाद दर्ज कर इतिश्री कर ली। ऐसे में युवक ने ही ठग को पकड़ने के लिए कमर कसी। सचिन रोज एटीएम जाता और आसपास के लोग सतर्क रहते। आखिरकार आज फिर उसे शातिर बदमाश ने एटीएम पर आकर वारदात करने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा। बताया जा रहा है कि युवक के पास से 50 से भी ज्यादा एटीएम कार्ड स्वीप मशीन मिली है। वहीं ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। भांकरोटा थाना पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। अंदेशा है कि पूछताछ में आरोपी और उसकी गैंग की और भी बहुत सारी वारदातें सामने आ सकती हैं। भांकरोटा थाना क्षेत्र में लगातार चोरी और ठगी की वारदातें सामने आ रही है। आज सुबह एक ठग को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा है और उसके पास से पुलिस को करीब 100 से अधिक एटीएम कार्ड, एक स्वीप मशीन और बैग भी उसके पास मिला है। अभी भांकरोटा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को अल सुबह ठग ने एक युवक के साथ 40,000 रुपये की ठगी की थी एटीएम कार्ड बदलकर। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़ित व्यक्ति जो था वो इसकी तलाश कर रहा था। आज सुबह जैसे ही एटीएम कार्ड पर ठग पहुँचा, उससे पहले उसको ग्रामीणों ने दबोच लिया और पुलिस को सपोर्ट किया है। पत्रिका टीवी से राज चोपड़ा की रिपोर्ट।